ये तीन भाई नहीं थे, ये शब्द हैं हमारे अद्भुत शहर के लिए, सुंदर सुशील और सुशांत, शांत चंदेरी और यहाँ के लोगों का वर्णन इन्हीं शब्दों से किया जा सकता। महाभारत के राजा शिशुपाल के जमाने से मौजूद ये शहर भारत की सबसे पुरान सबसे मुख्य शहरों में से एक है और इस शहर के अनोखापन इसके अतीत में है। चंदेरी शहर देश भर की कई चीजों के लिए प्रसिद्ध है मगर इस शहर के भी अपने कुछ छुपे हुए सच हैं जो कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। एक ऐसा भैया, एक ऐसा सच जो भैया क्या कर रहे हो, ऐसे मत किया करो, पता है रात को नींद नहीं आती है हमें, आप ऐसे अपराध शराब बड़ा बना देते हो। अरे बेटा देखो, मैं कुछ आलतू फालतू नहीं कर रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, ये सच है, आप लोग यकीन मानिए। नहीं रुद्र भैया, गलत बात है, गलत बात है, डराते रहते हैं हमको। अरे नहीं नहीं, हमें सब तुम तो सब तुम्हें क्या पता है, कुछ पता नहीं तुम्हें, आप बता दीजिए अगर नहीं पता है तो। सब पता है, मैं सब बता देता हूँ, सुनो, सब जानते हैं। क्या पता है? ए टू जी, ए टू जेड सब जानता हूँ मैं, वैद्य विशाल संगीताचार्य साहित्याचार्य सब जानता हूँ, त्रिकालदास मुझे तुम्हें सब कुछ पता है, अभी आज कल और परसों सब मालूम है मुझे। बताइए, बता रहा हूँ सुनो। सारे देश में इंटरनेट पे एक ही बात लिखी हुई है, मर्द को दर्द होगा और जरूर होगा, कितना भी बड़ा सीना हो उसका, कितने भी इंच का, पूरे देश के इंटरनेट पे यही लिखा है कि मर्द को दर्द होगा, जरूर होगा, क्योंकि वो आ रही है। कौन आ रही है? सुनो, जरा इधर तो देखो, इधर 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 सुनो, मैं आ गई हूँ, जरा इधर तो देखो। अरे मोबाइल का लाइट तो बंद कर दो। रुद्र भैया ये गलत कर रहे हैं, हम हमारे साथ पता है बहुत डर लग रहा है, हमने जो कुछ करने की कोशिश इधर पहन लिया, थका पहन लिया, हमने पैर में कंगन भी पहन लिए। सुनो सुनो, एक पंडित जी ने कहा था, लेकिन अरे बेटा अरे बेटा बिना माइक के ही तेरा सब कुछ हो जाएगा, तेरी शादी भी हो जाएगी। रुक, स्त्री से बचने का ना एक ही उपाय है, मैं एक आदमी को जानता हूँ, हाँ बहुत काम का आदमी है, बहुत कारगर आदमी है, उसकी एक फोन पे ना सब आ जाएंगे, उन्हीं को बुला के पूछते हैं, सब आ जाता है। अरे बाप, ट्रम्प को भी बुला देंगे वो, हाँ उन्हीं को बुला के पूछते हैं कुछ स्त्री से बचने के उपाय क्या है, मैट प्लानिंग करते हैं क्यों है। तो वो है दिनेश विजय सर, प्लीज गिव अ फॉर हिम, कम ऑन स्टेज आइए। देखिए पंकज जी, स्त्री से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, करेक्ट, लेकिन क्योंकि हमने 3 महीने स्पेंड किए हैं सिचुएशन में, तो अब सबको बचाने के लिए पूरी स्त्री की टीम ने श्रद्धा, डीके, राज अमर ने एक स्त्री से सुरक्षा किट बनाया, वो सब आपके सामने पड़ा हुआ है, अगर आप देखें नीचे तो उसमें नींबू और मिर्ची है, गंगा जल है जस्ट इन केस, हनुमान चालीसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें पुराण पढ़िए, उसे प्लीज पढ़िए करेक्टली, तो आपको लास्ट पेज फटा हुआ है तो हमें भी नहीं मालूम क्या करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें एक चंदेरी की साड़ी है। सो जो सब लेडीज लोग यहाँ हैं प्लीज वो साड़ी आपके लिए नहीं है, जो आप घर जाएं आपकी आपके ब्रदर लवर बॉयफ्रेंड उनके लिए है, तो उन्हें प्लीज प्यार से दीजिए और उन्हें रखिए, जब तक स्त्रियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। और आप सब मर्द लोग घर जाके अपनी बीवी बीवी को मत दे देना, ये सब आपके लिए, थोड़ी देर में श्रद्धा आपको बताएगी कि वो साड़ी आपके कैसे काम आएगी। अब जो डरे हुए मर्द इस पिक्चर के पीछे हैं, मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा, अमर कौशिक जो इस हमारे, ही इज द कैप्टन ऑफ दिस शिप एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म, गिव अ फॉर द डायरेक्टर ऑफ स्त्री अमर कौशिक, बड़े ब्रेव आदमी है जिन्होंने पिक्चर बनाई है स्त्री, क्योंकि उसका पीछा तो कभी नहीं छोड़ेगी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बड़ी खतरनाक स्त्री है, आप लोग देखिएगा, शायद थोड़ा सा दिखी है आप लोगों को, और काफी स्त्री, एक स्त्री है नहीं है वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का आने का, देखने का, और बाकी आप अभी हम बुलाएंगे इस पिक्चर में
दो बड़े हैंडसम लोग हैं, राज और डीके, नॉट राजकुमार, जिन्होंने ये पिक्चर मेरे साथ प्रोड्यूस की है और इन्होंने ये पिक्चर लिखी भी है. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैडॉक फैमिली, राज एंड डीके. So Raj, would you like to say something on this Stree occasion? Thanks, G. Thank you for everyone for coming, and I hope you enjoy the trailer. Everybody is making true stories. Everybody is making lots of true stories. We thought we should also make a true story, but we thought we should make a ridiculous true story. So this story has been with us for a while, and we experienced this firsthand, and everybody was saying it's true, and it felt ridiculously true for us. We said we had to make a film once in sometime in life, and we found the perfect director in Amar and perfect producer in Dino. And of course, perfect cast in Rajkumar, Shraddha, Apar, Abhishek and Pankajji. And we had a very beautiful team that we all shot in a small town called Chanderi. And I hope you guys like it. It's the perfect mixture of humor and horror and great acting and great directing. So it sounds really great good, producing. Yeah. Now, the only man who does not believe in Stree, ladies and gentlemen, Rajkumar Rao. I don't believe in Stree, but I'm really scared of Stree though. Yeah. First of all, kaisa laga aapko trailer? Really, honestly. Yeah? Thank you so much. Ye ek aisi film hai, anokhi film hai. You know, hum bahut films karte hai. Lekin ek, I think ek maatra aisi film hai jahan par hum sabko इतना मजा आया. आई थिंक पूरी टीम को, लाइक अ फैमिली, वी वर लिविंग इन चंदेरी इन भोपाल, एंड इट्स अ रियली स्मॉल टाउन, बट वी हैड नो कंप्लेंट. वी वर जस्ट फोकसिंग ऑन मेकिंग अ गुड फिल्म, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ द फिल्म, एंड नाउ इट्स इन योर हैंड्स, एंड आई होप यू गिव अस, यू गिव द फिल्म अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड लव दैट इट टोटली डिजर्व्स. सो थैंक यू फॉर कमिंग, एंड थैंक यू दीनू, अमर, द होल टीम, राज, डी के, अभिषेक, पंकज जी, अपार, श्रद्धा. Thank you so much. Thanks a lot, guys. And before we call the most important member of this film, the only Stree among these women, I'd like to just, among these men who are behaving like women, I'd like to just take a moment to thank Jio Studios, who's, this is their first association. Jyoti cannot be with us right now, but she's someone who has been part of 9 out of my 10 films in her previous institution. She's just joined Jio, and she sends her love, and she really, really believes in this film. But she can't be here. And I'd like to call Anil Thadani, who's been with us for a very long time. He distributes all our films. Whoa. And he's a very, very important part of the Maddock family. Actually, we have to take his permission before we make a film. And Abhishek, why have you left? You're so scared or what? Means you have to be on stage now. He's one of the most, what's the word we're looking for? The hidden talent in Stree. Okay, now what we are all waiting for, and you guys are waiting for, ladies and gentlemen, Stree, is she or is she not, Shraddha Kapoor? Hello, everyone. Hello. Hello. I really hope ki aap sabko trailer. Did you guys like the trailer? Yeah. Okay, that's a good reaction. So, आई डोंट नो कि आपको लग रहा है कि मैं स्त्री हूँ या नहीं हूँ, वो तो पता चलेगा, पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. पहली बार एक हॉरर कॉमेडी का हिस्सा बनी हूँ, और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे टू स्टैंड विद एवरीबॉडी ऑन स्टेज, टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सच अमेजिंग टैलेंट. थैंक यू डीनू फॉर थिंकिंग ऑफ मी फॉर दिस फिल्म. थैंक यू एवरीबॉडी, अमर, आवर डायरेक्टर, एंड तो आई रियली रियली होप कि आप हमारी फिल्म को सपोर्ट करेंगे एंड उसको उतना ही प्यार देंगे जितना वो डिजर्व करती है. सो थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. रुकेंगे आपको फुल फुल
I think only you should sit and we should all stand. Correct, it's better. Huh? Huh? Baki sab khade rehte. We'll do a new kind of only Shraddha sits. Hi. So, we'll start the Q&A like this. Is there a mic someone's giving around? So, trailer बहुत बढ़िया है. बधाई हो पूरी टीम को. Thank you, Alok. Sir, thank you. Hi. सवाल ये है कि मैं चाहूँगा कि आप सबका भूतों का experience कैसा है असल ज़िंदगी में जरा बताएँ. पंकज भाई अगर आप start करें और अभिषेक खत्म करें इसको. मेरा तो बहुत भूतों से पाला पड़ा है. 14 साल में भूतों के बीच ही घूम रहा था. ऐसा कुछ नहीं है, मैं भूत प्रेत में उतना नहीं मानता हूँ, बट रात अंधेरी हो तो डर तो थोड़ा लगता ही है, इतना ही है. You know? यार मैं तो बहुत फटता हूँ ये मामले में. हाँ ऑनेस्ट तो जब पहली बार एक्चुअली मैंने स्त्री का कट देखा और रात को मैं सो रहा था तो मैं बीच में उठ गया और मैं पर्दे के पीछे देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ उधर देख रहा हूँ. तो इस पिक्चर का यूनिक बात यह है कि आपको जेन्यूनली हंसाएगी और बहुत डराएगी और बहुत सोचने पे भी मजबूर करेगी. अपार साहब यार मैं बिलीव नहीं करता हूँ इनमें, लेकिन मैं जब छोटा था तो मुझे सपने जरूर आते थे एंड दैट यूज्ड टू बी रियली रियली स्कैरी, अदरवाइज मैं बिलीव नहीं करता हूँ. राज साहब मैं पता नहीं भूतों में विश्वास करता हूँ कि नहीं, पर वो मुझ पर जरूर विश्वास करते हैं. तो इसलिए कहीं ना कहीं मुझे टकरा जाते हैं. चंदेरी में हम लोग शूट कर रहे थे एक्चुअली एंड देयर इज एन इमेज व्हिच आई एक्चुअली आल्सो पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम और ऑन ट्विटर, आई डोंट रिमेंबर व्हिच, राज सर हैज क्लिक्ड. And if you can go back to my Twitter and you can see it there, you will actually, we were shooting at night around 3 o'clock, 3:30. And this actually, there was somebody peeping and that thing had no face. And we all got really spooked out of that image. Remember, sir? Yeah, so I think there are energies here. I'm sure, ho sakta hai in chairs pe bhi abhi koi baitha ho jo shayad hame dikh nahi raha hai. Jinke haath mein camera. Jo shayad ye film trailer dekh ke enjoy kar rahe hain. You never know. Shraddha. मुझे एक तो हॉरर फिल्मों से ही डर लगता है टू बिगिन विथ. तो जब मैंने हमारी ही फिल्म देखी तो मैं हमारी फिल्म को ऐसे देखी थी और बीच बीच में हंस भी रही थी, तो वो एक काफ़ी अजीब एक्सपीरियंस था. लेकिन भूत प्रेत में आई डोंट नो, डेफिनेटली रात को जब सोती हूँ तो एक छोटा सा लाइट ऑन रख के सोती हूँ और हॉरर फिल्मों को मैं एक्चुअली ज़्यादा देखती नहीं. तो आई थिंक मोर देन गेटिंग स्केयर्ड ऑफ गोस्ट, आई थिंक आई एम स्केयर्ड ऑफ हॉरर फिल्म्स. सो अभिषेक आप भी सरप्राइज पैकेज हैं, जरा बताएं. नहीं मुझे तो वैसे बचपन से भूत देखना था लेकिन अभी तक देख नहीं पाया, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो दिन आएगा. अमर जब आप डायरेक्ट कर रहे थे फिल्म तो कभी ऐसा एहसास हुआ जैसा फोटो के बारे में जिक्र किया रासन ने कि कुछ और ऐसी बातें कभी सपने में आई हों लिखने में या शूट करते वक्त? हाँ बहुत बहुत बार होता था, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता था. और नहीं भी होता तो हम लोग सोचते थे हाँ ये हो रहा है, वो भी होता था. और जब ये हुआ कि मुझे डायरेक्ट करनी है हॉरर फिल्म तो हॉरर बहुत डर लगता था मुझे हॉरर फिल्म से, लेकिन हंसी बहुत ज़्यादा आती थी. मैंने कहा दोनों को मिक्स कैसे करें और वैसे ही फिल्म आ गई हॉरर कॉमेडी, तो मैंने कहा मज़ा आएगा. अच्छा That's the comedy part for people who don't really believe it. So I think people who have written it might just be able to answer the question in an apt way. 5 years ago when I was in college, not five, but yeah. 5 years ago. Maybe four. Three of us were going in the middle of Mahashivratri night when we're all set freedom and you can go be up all night. So we were going around, we had lots of plans, we'll play, we'll go there, we'll do lots of nefarious activities. Somebody said, don't go to the edge of the hills. Because wahan pe ek stree ghoom rahi hai. We were like, what the? So we were like, okay, he said, we want to see it now. Sure, part of the festivities. So we drove up there. From the very far, we saw one figure. I don't know what it was. But since then, we wanted to make a horror comedy out of it. Because we were the fattoos. Didn't want to go all the way there. But that's how it started. So you never believe it. The fact that we don't believe it makes it funny. Is it? सर आपको दर्द होता है कोई मारे तो आप बता दीजिए. तो सर ये वही है हमारी फिल्म में भी, हम सब मर्द हैं हमारी फिल्म में और हम सबको बहुत दर्द होता है सर. मैं जब स्त्री आती है बहुत दर्द होता है सर.
मेरा राज और डीके से सवाल है. इसके पहले एक फिल्म आई थी तलाश, जिसमें जो एक थ्रिलर थी, और कोइंसिडेंटली उसमें भी जो करीना कपूर का कैरेक्टर है वो एक प्रोस्टिट्यूट का था. तो ये कहानी हालांकि आपकी कॉमेडी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी वो एक तकलीफ, वो दर्द है जो उस कहानी में था कि एक औरत खो जाती है साहब और कोई. See, basically, I don't know, it's strange that you compared both the films. They're completely different genres. But what this film is, the inherent theme of the film is, it's a satirical take on the plight of women, on women for that matter. We didn't want to put a message in strongly and none of that stuff, but there is a continuous satire on how mard ko dard hoga. And, you know, guys, beware. Guys, don't go out at night. You know, ghumna achcha nahi hai, achche kapde pehno. All that stuff is in the film in a very satirical way. So I think the message is included and not underlined. Yeah, it's also the only town in the country where men are not safe to go out at night. So. Hello. My question is to Rajkumar and Shraddha Kapoor. So isme likha hai mard ko dard hoga. To aap dono ki life mein aise kaun se teen incidents hai jisme aapko sabse zyada dard hua ho? Dard can be actually physical or emotional. Physical, emotional. Any three incidents in your life? Of course, when I lost my mom, that was the most terrible pain, emotional pain. Uske alawa... Uske alawa kaun? When I got you out of cricket. Yeah, we were playing... Yeah. No, Apar. Apar ne bahut run out karaya mujhe. Hum chandri mein cricket khelte the, to har baar bahut dard hota tha. To wo bahut dard ki baat hai. Aur I think... जब भी लाइक सचिन के ऑलमोस्ट 100 मारने वाले होते थे पर आउट हो जाते थे तो बहुत दर्द होता था. आई थिंक कब सबसे ज्यादा दर्द होता है, डेफिनेटली शायद कनेक्टिंग टू स्त्री. जब दर्द दिया है तब थोड़ा सा दर्द भी होता है कनेक्टिंग टू द फिल्म. But apart from that, definitely heartbreak. Heartbreak is quite very painful, very, very painful. पर उसके अलावा जब अगर दूर से मेरे सामने से एक प्लेट डिजर्ट का जा रहा हो और किसी भी कारण से मैं वहाँ पहुँच नहीं सकती या वो मेरे पास पहुँच नहीं सकता तो बहुत दर्द होता है. बहुत बहुत दर्द होता है क्योंकि बहुत बड़ा वीकनेस है डिजर्ट का. और बहुत सारी विजिट्स करती हूँ डेंटिस्ट को तो उससे बहुत दर्द होता है. एंड लेकिन स्त्री को दर्द नहीं होता. लेकिन हाँ पता नहीं. और मेरा ये सवाल पूरी टीम से है, आपको किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है पूरी दुनिया में? आई थिंक टू लूज अ लव्ड वन. Biggest fear. राजकुमार एंड अपार शक्ति आप लोग को किससे डर लगता है? डर सबसे ज़्यादा किससे लगता है पूरी? जब मैं रेडियो पे था तो अक्सर डायलॉग बोलता था थप्पड़ से डर लगता, पैर से लगता है, क्योंकि यू नो द फिल्मी गाय ऑन रेडियो. बट अदरवाइज डर या किससे लगता है, सर इस चीज से लगता है कि आई शुड नॉट लूज द नैक ऑफ हैविंग अ रियलिटी चेक. सर इससे डर लगता है. राजकुमार एंड पंकज सर आपको? मुझे या जो श्रद्धा ने कहा एक्चुअली टू लूज योर लव्ड वंस, उससे बहुत डर लगता है. थैंक यू श्रद्धा. हाय श्रद्धा. सॉरी सर कोल. सॉरी ऑन योर लेफ्ट हियर श्रद्धा. सॉरी On your left. Hi. The other left. The other left. Yeah. You have been wanting to do a comedy for a long time, I believe. I was reading yes. somewhere. And I think Dinesh said that she has a lot of quirkiness in her. So, what is the experience? I mean, comedy, do you enjoy doing this? Agar quirkiness hai, and wo, I think aap sabko baad mein film ke release ke time pe pata chalega. But definitely, bahut maza aaya, jaise Raj ne bhi kaha. इस फिल्म का हिस्सा बनने का डेफिनेटली एक बहुत न्यू एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए. एंड एवरीवन इज
very funny in real life. So unki company mein hi bahut maza aaya. And I really hope ki sabko film pasand aaye. That's all. And which is the favorite horror film, you and Raj? Favorite horror film? Mine is Conjuring 1. Mera favorite horror film nahi hai. Horror comedies 3. Yes? जैसे हर फिल्म से होती है उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए, उम्मीद है कि लोग सपोर्ट करें, उम्मीद है कि लोग एंटरटेन हो. श्रद्धा, विच जॉनर यू एंजॉय मोर? विच जॉनर डू आई एंजॉय मोर? टू बी अ पार्ट ऑफ, टू शूट, और जस्ट टू वॉच एज एन एक्टर? आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग ऑन दिस फिल्म, सो आई वुड से दैट आई थिंक बहुत ही अच्छा चेंज भी था, क्योंकि काफ़ी सारी फिल्में द मूवीज दैट हैव बीन अ पार्ट ऑफ हैव बीन देव हैड अ मोर इंटेंस जोन आई वुड से. तो टू बी अ पार्ट ऑफ अ हॉरर कॉमेडी बहुत ही मजा आया, बहुत मजा आया. राज, जस्टिन, यू टुवर्ड्स योर लेफ्ट हियर. Raj, as my colleague said, Mard Ko Dard Nahi Hota was a very famous tagline associated with quintessential macho hero. After several hit films and lots of awards, is there a feeling of you feeling like a hero today, finally? I don't know how a hero feels, honestly. I feel like an actor. I wanted to be an actor. And I always want to feel like an actor. I don't know this term, honestly, hero. Mere paas actually koi script bhi leke aata hai na, bolta hai ki, sir, hamara jo hero hai na, main sochta hu, ek second. उसका कुछ नाम है कि वो हीरो ही नाम है उसका, लेकिन वो जो कैरेक्टर है ऐसा ना, दिस सी द कैरेक्टर्स नेम. व्हाट इज हीरो? वी आर नॉट हीरोज. हीरोज आर पीपल हु आर फाइटिंग ऑन बॉर्डर्स, मैन. फॉर अस, वी आर नॉट हीरोज. वी आर जस्ट डूइंग आवर जॉब, दैट्स इट. आल्सो आई रियली वांटेड टू आस्क राज एंड डीके, आई मीन एनी ऑफ यू इफ यू कैन आंसर, वेयर एग्जैक्टली डिड दिस स्टोरी ओरिजिनेट? आई मीन इफ यू कैन गिव मी अ टाइमलाइन एंड द प्लेस ऑफ द लोकेशन और समथिंग लाइक दिस. सी द आई वी एक्सपीरियंस्ड इन आवर होम टाउन when we were in college 5 years ago. Which was small town, Andhra Pradesh. Sorry? Andhra Pradesh. This is in Andhra called Tirupati, the Balaji town. That's where we were studying, so that's where we experienced. Then we learned that it was happening in Bangalore also. Every language Nalaba. Seems to have this scent. And then there was something happening in the north, in a couple of small places. Then I heard it was happening in Thailand. So it's a little strange phenomenon. And it's just, now it's going to happen in Bombay. So it's pan. It's something that people have picked up in a weird way. It's not one of your true urban legends. It's an urban legend at the same time. Who made it up? Who can prove it? All that stuff is what's fun about the film. Rajkumar, hi, Ravi. Hi, sir. Rajkumar, Justin ke question ka follow-up karna chahunga. जैसे कि उन्होंने अभी आपसे सवाल किया हीरोइज्म के बारे में, जब आपने शुरुआत की थी लव सेक्स और धोखा से, उस वक्त ऐसी बहुत सारी फिल्में उस वक्त ज़्यादा बन रही थी. एक हीरो जो टर्म है हमारे यहाँ, हीरोइज्म ज़्यादा होता है फिल्मों में. आप जिस तरह की फिल्मों का हिस्सा बनते आए हैं, हाल ही में जो आई थी न्यूटन, वो टर्म आपको लगता है डाइल्यूट हो गया है? जब एक हीरोइज्म का जो फिनोमिना था वो ज़रा डाइल्यूट हो गया है. अब जो हीरो होता है फिल्मों का, वो बहुत रिलेटेबल चीज़ें करता है, बहुत रियलिस्टिक चीज़ें करता है. तो आप उस तरह की सिनेमा का हिस्सा बन गए हैं, तो इस बारे में आपके की राय क्या है? नो, आई टोटली अग्री विद यू सर. आई थिंक सिनेमा जिस गति से चेंज हो रहा है, आई थिंक उसमें हीरो की जो सो कॉल्ड हीरो की परिभाषा है वो भी चेंज हो रही है. दैट्स व्हाई आप देखेंगे आज, मतलब हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार आमिर सर भी, वो भी दंगल करते हैं. उन्होंने 50 साल के एक पिताजी का पिता का रोल करते हैं. तो कहीं ना कहीं हीरो की परिभाषा चेंज हो रही है. एक जॉनर है एक्शन जॉनर, जहाँ पे यू नो स्टंट्स होंगे, बॉडी दिखानी होगी, वो एक जॉनर है. उसको आप अगर हीरो कहना चाहें तो आई डोंट नो, बट आई थिंक अभी एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी आ गई है. कॉन्टेंट फाइनली यू नो इट्स गेटिंग इट्स ड्यू रिस्पेक्ट. तो अभी हमारी ऑडियंस भी है जो वो कैरेक्टर्स देखना चाहती है स्क्रीन पे. वो चाहती हैं कि एक्टर्स आके कैरेक्टर्स को निभाएं और कुछ एक नई लहजा लें, नई बॉडी लैंग्वेज लें. दैट्स वाई आई थिंक फिल्म्स लाइक न्यूटन और बरेली की बर्फी और संजू, देयर सो मेनी फिल्म्स, दंगल, दे आर डूइंग यू नो सो अमेजिंगली वेल. एक सवाल और, क्या पिछले 8 सालों में आपको अब ऐसा लगता है कि
आपने बहुत सारी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं की है, गैंग ऑफ वसीपुर में भी और बहुत सारी फिल्मों में. अब आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम जो बॉलीवुड है उसने आपको एक बड़े स्तर पर एक्सेप्ट कर लिया है और आप बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं, ऐसा कुछ एहसास होता है आपको? आप एहसास आई डोंट नो सर, ऑनेस्टली आई जस्ट आई गो लेट मी आंसर दैट ऑन हिज बिहाफ. खुद आई थिंक खुद ये बोलना मुश्किल है कि एक्सेप्ट 100% कर लिया और आई थिंक बहुत लेट किया है. He deserved it, I think, way before. Dinesh ji. Shraddha here. Shraddha, Saina Nehwal's biopic is in the making for a long time. There have been a lot of delays. What is the update? And finally, when will we get to see the final? I think first, let me let you guys figure out if I'm stri or no. Phir badminton racket uthaungi. अगर इस फिल्म की बात करें, दिनेश जी मेरा सवाल आपसे है. सवाल इसलिए है कि मंच पे अभी चार चार डायरेक्टर खड़े हुए हैं इंक्लूडिंग यू, और आप प्रोड्यूसर हैं, इसलिए सवाल आपसे कर रही हूँ कि जिस तरह से जो हॉरर फिल्म्स हैं उसमें मेन स्ट्रीम जो एक्टर्स हैं वो यूजुअली नहीं आया करते थे, लेकिन अभी बड़े स्टार भी जिस तरह से हॉरर फिल्म्स की ओर उनका रुख हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि आगे हम अच्छी हॉरर फिल्म बना पाएंगे? बिल्कुल ही. एक्चुअली अगर आप देखें साउथ में तो ये जो जॉनर है हॉरर कॉमेडी का बहुत सक्सेसफुल रहा है, और ये यहाँ की पहली हॉरर कॉमेडी है. सो हम चाहेंगे कि स्त्री 2, स्त्री 3, स्त्री 4, स्त्री 5 चलते रहे हमारे लिए गाड़ी. बट आई फील ये जॉनर इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपको जेन्यूनली डराएगा और जेन्यूनली हंसाएगा, और बिकॉज एक ट्रू फैक्ट पे बेसिस है. हम सब ने सुना है ना कि रात को अकेले चल रहे हो और पीछे से आवाज़ आए तो मुड़ना नहीं चाहिए. तो इन मर्दों ने गलती की, इनमें से कोई थोड़े मुड़े हैं. सो आई थिंक बहुत एंटरटेनिंग जॉनर है, और जैसे बड़े पर्दे पे जैसे डिजिटल का इतना रीच है अभी कि हमें पिक्चरें ऐसे बनानी है जो बड़े पर्दे पे देखने में मज़ा आए, तो इसमें वो हॉरर एलिमेंट आपको एक्चुअली लोगों के साथ देखने में मज़ा आएगा और आपको जैसे एंटरटेनमेंट भी आपको हंसाएगा भी. तो मुझे लगता है जॉनर इज हियर टू स्टे. हम डेफिनेटली इस जॉनर में पिक्चरें बनाने वाले हैं, और हम चाहेंगे ये लिखते रहें, ये एक्ट करते रहें और वो डायरेक्ट करते रहें. Guys, we'll continue with the questions. The RJ and the host in me will never die, and I just spotted two very important members of our family. Please welcome on the stage Sachin and Jigar, the music directors of Sri. Hello. हाँ, एक्चुअली मैं म्यूजिक के बारे में पूछने जा रहा था. सो आपका टाइमिंग माइंड ब्लोइंग है. सो दे हैव कम एट द राइट टाइम. अमर जी द डायरेक्टर, मैं वही पूछने जा रहा था. अभी प्रोड्यूसर ने बोला इतना अबाउट हॉरर रिलेटेड और हमारा जो जॉनर है, तो म्यूजिक क्या प्ले कर रहा था, मैं वही पूछने जा रहा था. और सचिन और जिगर, बहुत बहुत जरूरी था म्यूजिक. तो हाउ इवेंट ऑफ इट, हॉरर एंड कॉमेडी म्यूजिक को. गाने कितने हैं, हाउ मच द सॉन्ग? गाने 18. वेरी गुड. नहीं है सर, 18 नहीं है. लेकिन जो हॉरर और कॉमेडी में कॉमेडी और मस्ती का पार्ट है एक्चुअली जिगर, अभी तक ABCD के हैंगओवर में उसमें 12 गाने थे. बट हाँ, हॉरर और कॉमेडी का जो कॉम्बिनेशन है उसमें कॉमेडी और फन का काम जो है वो गाने करते हैं. और हमारा जो डीनो सर का एक सर, मैं तारीफ करूँ अपनी, आप करेंगे? दोनों नहीं करते. सो वी ऑलवेज डन म्यूजिक, न्यू एज म्यूजिक टुगेदर, ऑफकोर्स राज एंड डी के एंड डीनो सर. तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है, और इस फिल्म के जो गाने हैं वो आपको डराने के साथ नचाएंगे जरूर, फॉर श्योर. अपार, माय क्वेश्चन इज फॉर यू. अपार, हमने आज तक आपको मोस्टली प्लीज सीन यू मोस्टली डूइंग कॉमेडी रोल्स. विल वी एवर सी यू एक्सपेरिमेंट एनी डिफरेंट जॉनर इन फ्यूचर? ऑफ कोर्स, देयर इज समथिंग टू कम वेरी सून, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट यस, देयर इज समथिंग कमिंग व्हिच इज नॉट कॉमिक. आल्सो, हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन यू रीड रूमर्स लाइक यू एंड फातिमा बीइंग लिंक्ड टुगेदर? व्हाट अ क्वेश्चन, ब्रो. ब्रो, आफ्टर शूटिंग फॉर ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स, I came back to Bombay, she came back to Bombay, Sanya was in Bombay, so we all caught up, and that's about it, man. I'm married, please, matlab aise na karo. Well, yeah, that's one thing, I'm really worried actually.
But nothing. Like, I always kept acting whenever I got a chance. I did Ajji last year, which was, you know, yeah. So I kept doing whatever came my way and whatever I could experiment with. And just got to know that Amar Bhai was making a film. I asked him, "Koi character hai jisme aap mere ko dekhna chahenge?" Exactly like how an actor would approach casting director. I approached his casting directors, and they took my audition. And finally, by luck or whatever, yeah, like, so he found me. Or by the way, nobody knows that he acted in Go Go Gone. Oh yeah, that was his discovery role. Yeah, that's true. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. आई थिंक फिल्म्स के थ्रू हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रैवल करने के लिए टू वेरी स्वीट लिटिल टाउन्स. छोटे छोटे शहरों में जाने का मौका मिलता है, उन वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का भी मौका मिलता है. तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मज़ा आया. और आई थिंक कि हमारी फिल्म ने चंदेरी को भी बहुत अच्छी तरह से कैप्चर किया है, द ब्यूटी ऑफ चंदेरी. सो आई होप एवरीबडी एंजॉयज इट. Chanderi is beautiful, question. Yeah. I think there's a lot of history attached to it and really innocent, helpful people there. Aur jaise maine kaha pehle ki bahut hi na chota shehar hai, but we had no complaints. Matlab sab logon ne itna support kiya hame. Aur aap abhi aap jayenge, humne har deewar pe wahan likh diya tha os tarika lana, and nobody had any problems. So I think aap soch sakte hain kitne pyare log honge. Aap yahan likh ke dikhaiye kisi ki, matlab metro city mein ghar ke bahar os tarika lana and see how they react. Aur Chanderi ki saadiyan to mashhoor hain. Thank you guys, thank you so much for all the questions. And guys, one very important announcement. Today is Dinesh Vijayan's yes. birthday, by the way. Dinu's birthday, so can we have that special cake jo Stri ne apne haathon se banaya hai, jisme uske kuch nakhun bhi rahe hain shayad. Dinu, it's Stri's cake, yeah. Come on, you have to eat it. Thoda vomit hai usme, blood hai, vomit hai, bahut kuch hai usme. क्योंकि स्त्री सिर्फ मर्दों को ही उठाती है, तो यू हैव टू ड्रेस लाइक अ वुमन, लाइक अ स्त्री, एंड देन यू विल बी प्रोटेक्टेड. वील शो हुएवर वांट्स प्रोटेक्शन, प्लीज आ जाओ एंड वी विल पुट यू इन अ सारी. ऑलराइट दीनू सर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीनू. Happy birthday to you! सब जगह लिख दिया, बाहर लिखना भूल गया उस तरीका लाना. ओहो, ये तो गलती हो गई. हमने पीवीआर जू के बाहर नहीं लिखा उस तरीका लाना, तो आ गई. कौन है आप? आई थिंक स्त्री को केक चाहिए. ओके. ओके, ये है शॉर्टकट सारी. ओके, कट कर.
तो पूरे शहर में दो मर्द तो हैं जो स्त्री से सेफ है, एटलीस्ट दो तो हैं। वो अभी स्माइल नहीं कर रहे, अब राज भाई आपको देख के स्माइल नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट हम फर्स्ट आ गए, ये फर्स्ट आ गए जी, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। स्त्री चेस वॉर ये बार सेफ है टोटल, हैशटैग स्त्री से सेफ, स्त्री सेफ। पहले इन्होंने बांधी लेकिन शर्मा अच्छा हो रहे हैं, ये मानना पड़ेगा ऐसे, मतलब लेट्स बी फेयर, लेट्स बी फेयर। सर साड़ी आप ही की है, guys thank you so much for the awesomeness and the entire team of Strees here, the direction team, Vidhi, Abhishek and Pooja, the entire team is here. Amlendu sir kahan, oh Amlendu sir, Mayur, guys give it up for all of them, thank you so much guys. Woo! Gagan, Pawan,
Vijay, Priyan. स्वप्निल क्या रुक जा और वो भी इतना झटके से आ रहा है पीछे झटके से आ रहा है पूछता किया क्या आगे कर रहे हैं कौन कर रहा झगड़ा ऊपर ये केबल निकाला पांडे पांडे क्यों खींच रहा है बे खींच रहा पांडे को खींचनी क्या